Hello everyone, welcome to the first micro lecture of Units and Dimension on Arabihan, a platform with personalized and interactive lectures. तो भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर देने वाला हूँ और उस पहले चैप्टर का नाम क्या है? Units and Dimensions. क्या नाम है बच्चों? Units and Dimensions. तो बच्चों, यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो किसके यूनिट्स की आप बात कर रहे हैं? किसी ने किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया होगा, उसी के यूनिट के बारे में आपने बात की है. सिंपल सी बात है ना? तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें आपको यूनिट्स रटने पड़ेंगे क्योंकि अभी आपने बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े, बट उनकी यूनिट्स और डायमेंशंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा. तो बच्चों ध्यान से सुनना, यूनिट्स एंड डायमेंशन एक फिजिक्स का पहला चैप्टर माना जाता है. अभी तक जो आपने पढ़ा है फिजिक्स में, दैट इज बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, दैट इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट फिजिक्स. वो मैथमेटिकल टूल्स है, फिजिक्स का पार्ट नहीं. फिजिक्स की स्टार्टिंग यहां से हो रही है आपके लिए, है ना? तो ध्यान से सुनना बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरह से मेजर करते हैं, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे. बच्चों यूनिट्स, आप डायमेंशंस पढ़ रहे हो, यूनिट्स किसका? फिजिकल क्वांटिटी का, मेजरमेंट का, है ना? तो अब ये बार बार एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटीज. सर ये क्या है? देखो, दो तरह के क्वांटिटीज है, है ना? दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं इस देश में, इस दुनिया में, इस धरती पे. पहला होता है फिजिकल, जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको अपन फिजिकल कहते हैं. दूसरा होता है नॉन फिजिकल, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी आई पेंसिल की बात कर रहा हूं, है ना? मेरी आई पेंसिल है, इसका कुछ लेंथ तो डिफाइन होगा ना, कंपनी वालों ने उसके डब्बे पे कुछ लेंथ दिया होगा ना इसका. ध्यान से सुनो, मैं अपनी आई पेंसिल की लेंथ डिफाइन कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए कुछ ना कुछ मार्किंग की होगी, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, है ना? तो ये जो मार्किंग है ना, ध्यान से सुनना, ये जो मार्किंग है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेम टू सेम रखा जाता है. ये नहीं कि चाइना वाले ने बोला नहीं तो उसको मैं 5 ही सेंटीमीटर मानूंगा, क्योंकि 1960 में सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बैठ के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का एक डेफिनेशन क्रिएट किया और उसको सबने मेजर किया. तो कहने का मतलब ये लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं, है ना, कि भाई इतना है ना, मीटर स्केल से, जिसको आप ऑलरेडी मेजर करते हो, बहुत बार बहुत सारी चीजें कर चुके हो. लेकिन अगर मैं बोलूं कैटरीना कैप इज ब्यूटीफुल, तो क्या आप बोल सकते हो शी इज 2 kg ब्यूटीफुल, शी इज 2 meter ब्यूटीफुल? नो, देयर इज नो यूनिट व्हिच इज डिफाइंड फॉर ब्यूटीफुलनेस ऑफ कैटरीना कैप, है ना, या हॉटनेस ऑफ सलमान खान. तो उस पर कोई यूनिट डिफाइन नहीं किया गया, उसका मेजरमेंट का कोई सिस्टम डिफाइन नहीं किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल विक्रम सर इज सो हैंडसम, तो आप क्या बता सकते हो कि आप कितने हैंडसम हो, है ना? नहीं बता सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप किसी के लिए हैंडसम, किसी ने आपको छोड़ दिया, उसके लिए आप हैंडसम नहीं थे, सीधी सी बात है. तो कहने का मतलब ये चीजें ऐसी हैं जिसका कोई यूनिट, विक्रम सर बहुत अच्छे इंसान है, कितने अच्छे इंसान है, इसका कोई यूनिट है क्या? यू कांट मेजर इट, है ना? तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं. फिजिकल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं. तो भाइयों बहनों ध्यान से सुनना, फिजिकल क्वांटिटीज के भी दो तरीके होते हैं पढ़ने के. पहला, इसको फील करो, दूसरा रट्टा मार लो. तो मैं आपको फील करवाऊंगा, ध्यान से सुनना. देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, है ना? पहला होता है बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी. इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से सारी चीजें डिफाइंड होती हैं, है ना? सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज डिफाइन होते हैं इसी चीज से. ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं बोलूं कि मेरा मास कितना है, तुम बोलोगे ना 5 kg, हा ना बोल भाई. तो समझना, फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं, टाइप्स में बाद में आता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज के जो भी यूनिट्स मैं आपको बताने वाला हूं, उसके स्ट्रक्चर में दो चीजें होती है. पहला न्यूमेरिकल वैल्यू n, दूसरा यूनिट q. अगर मैं बोलूं 5 kg, तो 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. केजी क्या है? यूनिट है. 5 ग्राम बोलूं तो 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्राम इज द यूनिट. तो बच्चों अगर मैं किसी बच्चे की हाइट बोलूं, उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो तुम क्या बोलोगे? 160 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हाइट, है ना? और यू क्या है? सेंटीमीटर क्या हो गया बच्चों? सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ दैट हाइट. समझ रहे हो? मैं मीटर भी बोल सकता हूं. तो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में मैं बताता हूं. फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के, फंडामेंटल, डिराइव्ड, और एक साइड से भी होता है सप्लीमेंटल, उसके बारे में बाद में बात करूंगा. बेसिकली 3 तरह के होते हैं. तो अभी मैं फंडामेंटल और डिराइव्ड के बारे में बात करता हूं. फंडामेंटल डिराइव्ड के अगर नंबर्स की बात करो, तो फंडामेंटल 7 होते हैं, डिराइव्ड कितने भी हो सकते हैं, 150 कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूलाज पे डिपेंड करता है. फिजिकल क्वांटिटीज का पहला टाइप होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये बेस क्वांटिटीज के नाम से भी जाना जाता है, इसको बेस यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है. ध्यान से सुनना बच्चों, इसके बेस फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज दोनों को एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ेंगे अपन. पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को जानेंगे ना अपन, तब उसकी यूनिट्स को अपन जानेंगे, है ना? तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर आप कहीं लेंथ देखते हो, लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सा होता है?
ऑब्वियसली आप देखोगे सारे लेंथ आपके बुक में जनरली जो दिया रहता है वो मीटर में दिया रहता है, नहीं दिया रहता उसको अपन कन्वर्ट करते हैं। तो 1960 में सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये डिसाइड किया कि भाई अपन एक सिस्टम को मेजर करेंगे। अगर मैंने अमेरिका में बोला कि इस आई पेंसिल की कीमत इतनी है और इतनी सेंटीमीटर की आई पेंसिल है तो हर जगह उसको उतने सेंटीमीटर ही माना जाएगा, ये नहीं कि चाइना वाला बोल दिया नहीं तो मेरे लिए तो ये 5 सेंटीमीटर का ही, मैं तो उसको 10 का मानूंगा नहीं, है ना। तो एसआई सिस्टम के अनुसार इसका जो यूनिट होता है, जो डायमेंशन होता है, वो मैं आपको डिफाइन करके देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना बच्चों। पहला होता है, मेट्रिक बता देता हूं, LMTETL, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, फिर से LMTE हो गया, TL, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब मैं इनकी यूनिट्स की बात करूंगा। तो लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, ये सब यूनिट्स बता रहा हूं। LMTE, ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, टी फॉर टेम्परेचर, केल्विन, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, एल लास्ट में जो है उसका कहते हैं अपन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला इज द यूनिट। कैंडेला को याद रखने का तरीका बताता हूं, ज्यादा कैंडल, ज्यादा कैंडेला, ज्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बस, है ना। तो बाकी चीजें आप फैमिलियर हो, है ना, ले कैंडेला का यूज बहुत कम अपन करेंगे, है ना। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे जिसके यूनिट्स को मैंने आपको डिफाइन करके बताया है। अब मैं बात करता हूं डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। डिराइव्ड यूनिट्स की बात करूं तो डिराइव्ड यूनिट इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकल के आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि मेरा मास 5 केजी है तो टेम्परेचर बढ़ा देने से मेरा मास कम होगा क्या? नहीं होगा। करके देखो, एसी का टेम्परेचर डाउन कर दिया, मेरा मास 2 केजी, नहीं, मतलब मेरी मास की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी रखनी है। आपका लेंथ बढ़ा दोगे, मेरा लेंथ खींच के कान लंबा कर दो तो क्या मेरा मास कम हो गया क्या? नहीं भाई। समझ रहे हो, किसी भी चीज की लेंथ बढ़ाने से, बाकी चीजों को बढ़ाने से आपके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, आपके इलेक्ट्रिक करंट को डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये सारी चीजें ऐसी है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स है, ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती है। ये 7 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। बाकी डिराइव्ड की अगर बात करो, डिराइव्ड यूनिट्स बहुत सारे होते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ड्राइव में बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, मास, फंडामेंटल था, उससे निकल के आपने ए लगाया, एफ इंटू एम इंटू ए, फोर्स आया, फोर्स को फिर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया तो आपको वर्क मिला। क्या समझ पा रहे हो, मास क्या था? मास फंडामेंटल था उसकी। तो बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के एक डिराइव्ड यूनिट बनता है, उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत सारे होते हैं, वर्क, एनर्जी, पावर, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, कुछ भी करो, ये सारी चीजें क्या है? फंडामेंटल नहीं है, ये सारी चीजें डिराइव्ड है, कहीं ना कहीं डिराइव होके आ रहा है किसी चीज से। क्या इस बात को मानते हो, नहीं मानते हो? तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हो, एनिमेशन पे आप फील कर सकते हो कि कितने सारे डिराइव्ड, और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते हो, एरिया, एक्सेलरेशन, प्रेशर, बहुत सारी चीजें, मोमेंटम, चार्ज, कैपेसिटेंस, बहुत सारी चीजें हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। इस लिस्ट है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे अपन चैप्टर्स को पढ़ेंगे अपने को फंडामेंटल क्वांटिटीज और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। ध्यान से देखना बच्चों। तो देखो बच्चों, एक बात समझना, अगर मैं बोलूं कि आई हैव अन्ना, गिव मी 5 केजी ऑफ वेलोसिटी, बोलेगा पागल हो गया। समझ रहे हो, केजी में वेलोसिटी को कैसे नाप सकते हो, है ना। तो कंपैरिजन भी होता है कि आप अगर वेलोसिटी नाप रहे हो तो वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में होना चाहिए, किलोमीटर पर सेकंड में होना चाहिए, आप उसको केजी से डिनोट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो बात। तो सारे लोगों ने 1960 में 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल डीएस पैडस, ऐसा करके कुछ सीजीपीएम कुछ था, उसका एक मीटिंग हुआ था, उसमें सबने डिसाइड किया कि हम जो भी करेंगे सेम टू सेम करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने कपड़ा मंगाया चाइना से, उसने रुमाल भेज दिया, बोला 1 मीटर मेरे लिए इतना ही होता है, तो ऐसा नहीं। एक कॉमन सिस्टम की डेफिनेशन डिफाइन की गई जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कहा जाता है, और हर जगह यही चीज माना जाएगा। कहीं किसी भी कंट्री में जाओ उसका डेफिनेशन नहीं बदलेगा बच्चों, है ना। तो आप देख सकते हो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अगर बात करो तो उसको आप मेजर कर सकते हो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मेजरमेंट की बात करो तो मेजरमेंट कैसे करते हैं,
नॉर्मली हम मीटर स्केल से मेजर करते हैं तो सबके पास होता है, लड़के जनरली लाते नहीं है, लड़कियों से मांग लेते हैं दो चार, है ना, कोई पेंसिल दे दो, कोई कुछ दे दो, है ना। मीटर स्केल से भी जहां आप फील हो जाते हो वहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस आई पेंसिल की डायमीटर आपको नापनी हो तो आप क्या यूज करोगे, दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। आप वर्नियर स्केल को ऐसे करके चिपकाओगे, है ना, इस दोनों जॉस के बीच में रखोगे। वर्नियर स्केल बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। ऐसे करके करोगे तो इसमें मेजरमेंट आ जाएगा इसकी डायमीटर कितनी होगी। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड मेजरमेंट होता है जो कि आप जनरली मीटर स्केल से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, हाँ तो बच्चों एक आखिरी चीज जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये क्या होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल और डिराइव्ड के बारे में तो आपने बहुत अच्छी जानकारी ले ली, अब मैं सप्लीमेंट्री के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। सप्लीमेंट्री थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है, थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, है ना। फिजिकल क्वांटिटी का तीसरा टाइप कहलाता है सप्लीमेंट्री, ना तो ये डिराइव्ड है ना तो ये फंडामेंटल, ये क्या है सप्लीमेंट्री। दो एक्स्ट्रा यूनिट्स में डिफाइन कर रहा हूं, बस इतना समझ लो आप। ये दो एक्स्ट्रा यूनिट्स क्या होते हैं, एक होता है एंगल, एंगल को आप 3D में फील करो। एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन एंगल। वी शेप में आपको दिख रहा होगा एनिमेशन में, दिस ओनली इज द प्लेन एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल की बात करो, 3D में होता है बच्चों, है ना। ये क्या होता है, 3D में होता है, आप देखोगे एनिमेशन में, आप देख सकते हो किस तरह से 3D में आपको व्यू मिल रहा है। एक आइसक्रीम खाते हो ना, तो आइसक्रीम का एंगल जो आप बनाओगे वो कैसा बनेगा, वी शेप आइसक्रीम है तो उसका ऐसा बनेगा, है ना। आइसक्रीम कॉनिकल, मतलब कॉनिकल एंगल एक तरह से आप 3D में फील करोगे, किस तरह से आप सॉलिड एंगल को फील कर सकते हो। तो प्लेन एंगल का होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का होता है स्टे रेडियन, है ना। तो इस तरह से आप दोनों का फील ले सकते हो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन। फोर्स जो है, है ना, फोर्स m फॉर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज, आपके पास दो ऑप्शंस है, फंडामेंटल यूनिट f.u, दूसरा है डेराइव्ड यूनिट d.u। जल्दी से बताइए क्या है, गेट मी द आंसर फास्ट। आई थिंक इट्स फंडामेंटल यूनिट। नो, योर आंसर इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज डेराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना होता है, जैसे कि मास, वेलोसिटी, टाइम, m इक्वल टू क्या है फंडामेंटल, v क्या है स्पीड इज इक्वल टू, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फंडामेंटल से ही तो बना है। तो ये पूरा का स्ट्रक्चर फंडामेंटल से मिलके बना है, तो इसको डेराइव्ड कहेंगे। तो और भी चीजें हैं फंडामेंटल डेराइव्ड, इस तरह से आपने देख लिया कि फंडामेंटल डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री तीन तरह के यूनिट्स होते हैं। एक छोटा सा सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, है ना बच्चों, ध्यान से सुनो। आर्क लेंथ अपॉन आर, है ना, ध्यान से सुनना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं है। रेडियस ऑफ सर्कल, आर्क लेंथ अपॉन, जैसे आर्क लेंथ ये हो गया और रेडियस आपका ये हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया आपका और ये क्या हो गया बच्चों, आर फॉर रेडियस। ये कैसा यूनिट है, पहला फिर से फंडामेंटल, दूसरा है डेराइव यूनिट, तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट, जल्दी से बताइए बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सप्लीमेंट्री यूनिट, बिल्कुल सही जवाब, सप्लीमेंट्री यूनिट से, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली आपको थीटा दे रखा है। याद करो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इनटू थीटा, तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये कौन सा है, ना तो सप्लीमेंट्री है, सॉरी ना तो फंडामेंटल है ना तो डिराइव्ड, ये क्या है, सप्लीमेंट्री। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया इस चैप्टर में, एनिमेशन के थ्रू मैंने काफी सिंपल बनाने की कोशिश की है और काफी याद रखने के लिए इसको बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए हैं, जैसे कि LMTDEL इज द ट्रिक फॉर फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री के लिए प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। एनीवेज, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, सीरियल के अगले एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय वंस अगेन, लेट्स सॉल्व इट।